हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर आई थिंक 14 वाटर। यस 14 वाटर। ओके सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे और MCQ और ट्रू फॉल्स डिस्कस कर चुके थे एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स FIB। ओके सो फर्स्ट इज सी वाटर इज टेस्ट एज इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। सो सी वाटर इज सेलिन, बोला भी अगर याद होगा SALINE, सेलिन, ठीक है, खारा होता है। सी वाटर इज सेलिन मतलब खारा होता है, एज इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का सॉल्ट डिजॉल्व्ड होता है। ओके नेक्स्ट इज वेट क्लोथ्स ड्राई अंडर शेड बिकॉज ऑफ, जो वेट क्लॉथ्स होते हैं गीले कपड़े ड्राई अंडर शेड, ठीक है, वो छाए में भी सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ विंड, किसकी वजह से, हवा की वजह से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू लीव इज कॉल्ड, ये देखिए ट्रू फॉल्स में भी था, तो क्या था इसका आंसर, ट्रांसपीरेशन। ओके TRANS TRANSPIRATION TRANS TRANSPIRATION ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ओके जिसमें जो प्लांट्स लीव्स होती हैं वो वाटर को रिलीज करती हैं, ठीक है। FIB नंबर 5 डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। सो अगर आपको याद होगा चैप्टर में तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है। FIB नंबर 5 इन क्लाउड्स द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेस कॉजिंग रेनफॉल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन precipitation PRECIPITATION precipitation। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी और अब जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो उसके लिए मुझे शायद रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर। तो कौन सी प्रोसेस होती है, अभी मैंने थर्ड नंबर FIB में कराया है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ओके सो पेंसिल कहाँ रख दी मैंने, वेट बेटा। सो ट्रांसपीरेशन TRANS ट्रांसपीरेशन PIRATION, देखिए स्पेलिंग ऐसे याद की जाती है, ट्रांस TRANS ट्रांसपीरेशन PIRATION रेशन। ओके सो ट्रांसपीरेशन। ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमिडिटी। ओके सो ह्यूमिडिटी का आंसर अगर नोट करना चाहें, पेज मुझे रजिस्टर का यूज अब करना पड़ेगा। ओके तो इसका आंसर जो है बेटा नोट कर लें, आंसर नंबर 2 क्लास डाल देते हैं सबसे पहले 6 एंड SCIENCE साइंस। ओके आंसर नंबर 2 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। सो द अमाउंट AMOUNT अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑफ वाटर VAPOUR वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर PRESENT प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी HUMIDITY ह्यूमिडिटी। ओके आंसर नंबर 3 देख लेते हैं, शायद वन वर्ड ही हो, डिफाइन ट्रांसपीरेशन। अरे तो इसका तो बेटा आंसर पीछे ही दिख जाएगा आपको, पेज नंबर अगर आप पीछे से करेंगे तो पेज नंबर आपको 190 पर देखिए ट्रांसपीरेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स
ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ओके, सो फर्स्ट आंसर आपको 190 पेज पर मिलेगा। व्हाट इज वाटर टेबल? सो वाटर टेबल अगर आपको करनी है, सो वाटर टेबल तो मैं बता देता हूँ। देखिए वाटर टेबल ओशियन एंड सीज, रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स, वेल एंड स्प्रिंग्स, स्नो एंड रेन। ओके, ओके, सो वाटर टेबल को अच्छा डिफाइन करना है। एक मिनट रुक जाइए, इसका आंसर शायद मुझे लिखवाना पड़ेगा। वाटर टेबल का कोई आंसर आपका नहीं है, एक बार इसमें देख लेते हैं। वाटर टेबल नहीं है तो बेटा इसको देखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आंसर नंबर 3 ऑफ कौन सा ये है, बी, 3 ऑफ बी पार्ट। ओके, सो व्हाट इज वाटर टेबल? दी अंडर ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड सरफेस, एस यू आर एफ ए सी ई, द अंडरग्राउंड सरफेस, बी ई एन ई ए टी एच, बेंथ द अर्थ, ई ए आर टी एच अर्थ, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, मैटीरियल्स, एम ए टी ई आर आई ए एल एस, मैटीरियल्स सच एज सॉइल, सच एज सॉइल और रॉक, आर सैचुरेटेड, एस ए टी यू आर ए टी ई डी, सैचुरेटेड विथ वाटर, विथ वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल, इज कॉल्ड द वाटर टेबल। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, और नोट कर लें इसका आंसर। सो आज का क्लास यहीं तक बस रखते हैं। बाय, टेक केयर।